वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 6 नवंबर 2022, और आज के वीडियो में हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों ने जिस तरीके से थंबनेल देखा है, KGF2 एंड राहुल गांधी हायरे मुसीबत, क्या है ये कॉपीराइट एक्ट और क्लेम, ठीक है। तो यहां पर एक जो न्यूज़ कब से चली है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि राहुल गांधी जी ने यहां पर एक ट्वीट किया था, एक वीडियो बनाया था, और उसके अंदर यहां पर KGF2 का जो म्यूजिक है उसको यूज किया था विदाउट परमिशन। तो उसके बारे में यहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। फर्स्टली माय नेम इज यश कुमार संपत। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस 6 ईयर्स। चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू कैन फॉलो मी इन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ओवर हियर। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस particular article over here, which is comes in the Indian Express. Okay, so Rahul Gandhi booked for unauthorized use of KGF2 music in Bharat Jodo Yatra. तो Bharat Jodo Yatra के अंदर जो एक campaign था, यहाँ पर उन्होंने KGF2 music का use किया था। तो ये जो है काफी हद तक unauthorized माना गया है। Why? Because of this particular copyright over here. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके against में यहाँ पर FIR register किया गया है। So the FIR was registered in the Yashwantpur police station on Friday under the provisions of Copyright Act, the Information Technology Act and the Indian Penal Code against the Rajiv Gandhi ji, Jairam, Ramesh and Supriya. तो यहाँ पर सिर्फ एक राजीव गांधी जी के अगेंस्ट में FIR दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जयराम जी के अगेंस्ट में और सुप्रिया जी के अगेंस्ट में भी यहाँ पर FIR लॉन्च हुआ है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा थी उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पार्टी ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा, तो वहां पर KGF2 का ये म्यूजिक जो है वो यूज किया गया था, ठीक है। सो म्यूजिक फ्रॉम द ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म KGF2, ठीक है। यहां पर आप उसका ट्विटर हैंडल जो है कांग्रेस का, यहां पर आप देख सकते हैं इन आंखों में चट्टानों से लड़ने की ताकत जो है, इस तरीके का यहां पर जो है ट्विटर के अंदर वीडियो वायरल हुआ था। और यहां पर इसके अगेंस्ट में कंप्लेन जो है अलीज किया गया जयराम रमेश जी के अगेंस्ट में, एंड हैड एन ऑफिशियल हैज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पोस्टेड 2 वीडियोस ऑफ द यात्रा। ओके, तो यहां पर विदाउट परमिशन यूज किया गया था इसके अगेंस्ट में। यहां पर MRT म्यूजिक के जो मैनेजर है जिसका नाम है M नवीन कुमार जी ने इसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है याद रखना है, पर यहां पर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें हुई तो हुई क्यों, ठीक है। तो कॉपीराइट की वजह से ऐसा हुआ, तो अभी जानते हैं कॉपीराइट के बारे में। उससे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और डिटेल में दिया गया है कि ऑन परजुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियोज इट इज क्लियर दैट ऑल द अक्यूज्ड हैव फ्रूडेंटली ब्लाइंडली एंड स्लेविशली विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग रॉन्गफुल गेन्स हैव अनऑथराइज्डली एंड इलीगली यूज्ड टू साउंड रिकॉर्डिंग ओन्ड एंड हेल्ड बाय द कंप्लेन। द कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा बिगन फ्रॉम कन्याकुमारी इन तमिलनाडु फॉर 7 सितंबर एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच जम्मू ऑन 2023 ऑन 30 जनवरी। ओके, द March has so far covered 5 southern states, namely Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. It will traverse through different states in this particular course. Okay, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, पर अभी आप लोग copyright के बारे में जाने कि what is the particular legal provisions available regarding the copyright infringement over here. Okay, तो दोस्तों जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं या कोई वीडियो क्रिएट करते हैं या कोई अपना किताब लिखते हैं या आप ऑथर हैं, ठीक है, तो कोई भी उसकी कॉपी ना कर सके और कोई ऐसा ना कह सके कि आपने एक चीज कॉपी किया है, तो उसके लिए ही यहां पर कॉपीराइट जो है वो डाला जाता है। उसके प्रोविजंस है कि अगर समझो किसी ने आपकी किताब ने किताब लिखी है, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी है, तो उस बुक को कोई आपकी बुक से कॉपी ना कर सके कंटेंट को, तो यहां पर कॉपीराइट लग सकता है रिगार्डिंग दिस
पर्टिकुलर प्रोविजंस. ओके, सो कॉपीराइट एंश्योर्स अ सर्टेन मिनिमम सेफगार्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट्स ऑफ ऑथर्स ओवर देयर क्रिएशंस. अगर आपने कुछ क्रिएशंस किया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और यहां पर क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड मिले उसके लिए यहां पर एक सेफगार्ड बनाया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द कॉपीराइट. ओके, सो कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल लिटरेसी को, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क को, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स जो है, साउंड रिकॉर्डिंग्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूजेस से. इज इट क्लियर? अभी टर्म ऑफ कॉपीराइट की अगर मैं बात करूं तो कॉपीराइट की जो टर्म है वो किसके रिगार्डिंग काम आती है और किस के लिए होता है. ठीक है, सो लिटरेसी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क के लिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर एंड प्लस 60 इयर्स बियॉन्ड 60 इयर्स आफ्टर हिज पर्टिकुलर डेथ. ओके, उसकी डेथ के 60 इयर्स के बाद भी यहां पर कॉपीराइट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लग सकती है. ठीक है, ये चीज याद रखना है. यहां पर अगर मैं बात करूं कि इट गिव्स ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट टू एवरी ब्रॉडकास्टर्स विच इज वैलिड फॉर 25 इयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर इन द ब्रॉडकास्ट हैज बीन डन. तो 25 साल का भी यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन देखने को आप लोगों को मिल सकता है. कॉपीराइट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर दिस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट. ओके, तो यहां पर एक कॉपीराइट बोर्ड जो है वो क्रिएट किया गया है और ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो कंस्टिट्यूट करते हैं सिमिलर या सेम सेटलमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डिस्प्यूट ग्रांटिंग और लाइसेंसेस. इज इट क्लियर रिगार्डिंग द लाइसेंसेज? ओके, तो उसके रिगार्डिंग एक कॉपीराइट बोर्ड क्रिएट किया गया है जो इस एक्ट को ये एक्ट को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, पनिशमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर अगर आपके ऊपर कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट की पनिशमेंट लगी है तो यहां पर इंप्रिजनमेंट के रिगार्डिंग यहां पर 3 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस टर्म को. ठीक है, तो यहां पर पनिशमेंट आप लोगों को याद रखना है. व्हाट इज द रिसेंट जजमेंट अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर कॉपीराइट ओवर ईयर? तो यहां पर समझ लीजिए कि किंग प्रो इंटरनेशनल वॉर्स स्टेट ऑफ एनसी के रिगार्डिंग यहां पर एक केस था और यहां पर ऑफेंस ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 63 रिगार्डिंग द कॉपीराइट एक्ट. तो यहां पर उसके बारे में बताया गया और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था. ये चीज याद रखना, यहाँ पर 3 साल से लेकर 7 साल की आप लोगों को इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट मिल सकती है और 7 साल से भी ज्यादा हो सकता है अगर आपका ऑफेंस इस तरीके का रहा तो. इज इट क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि एज अ रिजल्ट, ओके, एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये जो है एक्यूज टू पोस्ट बेल बॉन्ड एंड विद द पुलिस एंड शिफ्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कोर्ट्स ऑफ फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑन ए केस बाय केस बेसिस. ओके, तो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस बाय केस यहां पर उसके जजमेंट निकल कर आते हैं. सीआरपीसी की अगर मैं डेफिनेट डिफाइन करूं तो ये क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस है एज एन ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट अ वारंट. ओके, तो यहां पर वारंट की जरूरत नहीं लगेगी एंड स्टार्ट एन पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर एंड विदाउट द परमिशन. ओके, और कोर्ट के अंदर वो दाखिल कर सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ कोर्ट के हिसाब से भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है. ठीक है, सो दीज आर द ऑफेंसेज दैट आर यूजली वेरी सीरियस माना जा सकता है, जनरली हीनियस इन दिस पर्टिकुलर नेचर, जैसे कि कोई रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, डाउरी डेथ है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस को पावर मिल जाता है कि विदाउट वारंट वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं आप लोगों को. ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस एक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज है. ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को पहले कॉपीराइट के लिए एक जो है क्रिएट करना रहेगा, एक आर्ट या म्यूजिक लिटरेचर जो है वो चीज क्रिएट करनी रहती है ओरिजिनली अपने क्रिएशन के हिसाब से. उसके बाद यहां पर ट्रेडमार्क लॉ के बारे में बात किया गया है, ट्रेडमार्क लॉ एंड it is not mandatory under the copyright act registered to copyrights as necessary precondition in order to enforce this particular same. par yahan par aap logo ko registration karwana zaruri hai, patent karwana zaruri rehta hai. originality ke agar main baat karu to yahan par koi bhi ek art hai ya koi ek music hai, koi literature hai, uski original hai, is original or not is another complicated question of this particular law. ki bhai ye jo music hai ye kya copy kiya gaya hai ya nahi kiya gaya hai, ya ye sahi hai ya galat hai, ya ye ओरिजिनल है या नहीं है, ये डुप्लीकेट है. ठीक है, तो इसकी ओरिजिनलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई यहाँ पर लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं. ठीक है, एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट आउटलाइन
लिविंग दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन टू दी कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन याद रख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो प्रोटेक्शन अंडर डिजाइन एक्ट 2000 इट कैन नो लॉन्गर क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट एक्ट वंस इट इज रिप्रोड्यूस बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब्सटेंशियल सिमिलैरिटीज होती है टेस्ट के रिगार्डिंग, और यहाँ पर उस टेस्ट के एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है कोर्ट के अंदर कोर्ट के हिसाब से, और केस बाय केस यहाँ पर उसकी बेसिस चलती रहती है। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट ओवर हियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ गए होंगे। सो जैसे मैंने कहा कि आज का जो डेट है वो है 6 नवंबर संडे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। प्लीज वेट गाइस। यस, सो नेवी चीफ्स ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ मालबार एक्सरसाइज। तो यहां पर जो मालबार एक्सरसाइज उसके बारे में बातचीत किया गया है। सो द नेवी चीफ ऑफ द इंडियन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड द यूएस विच कंप्राइजेस द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग मीट इन द जापान ऑन सैटरडे एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन द फर्दर एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी इन फ्यूचर एडिशंस ऑफ द मालबार मल्टीलेटरल लेवल एक्सरसाइज। मीनवाइल अ चाइनीज रिसर्च वेसल युआन बांग 6 has entered the Indian Ocean via Sunday Strait, okay? Sunda Strait, is it clear? तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी मीटिंग की गई है, और ये जो मीटिंग के बारे में बात करूँ तो ये मीटिंग जो है टोक्यो के अंदर अरेंजमेंट किया गया है। So multilateral engagement in the next couple of weeks to be hosted by the Japan. Okay, so this year marks 30 years of this particular Malabar exercise. The Malabar exercise को 30 years complete होने को है, ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर अगर मैं Malabar exercise के बारे में और Quad के बारे में बात करूँ तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड US ये कौन सी कंट्रीज है, Quad ग्रुपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं Quad की बात करूँ तो Quad क्या है, सो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो यहाँ पर इंडियन ओशंस जो है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर इंडो पैसिफिक ओशंस जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? सो इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स का यहाँ पर वो लोग काम करते हैं। द क्वाड ऑफिशियली द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज नॉट अ फॉर्मल अलायंस, इट इज अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फॉर्म कंप्राइजिंग फॉर मेरीटाइम डेमोक्रेसीज जैसे कि इंडिया, USA, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिल सकता है, USA देखने को मिल सकता है, जापान देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को एडवांस करना, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज करना, कॉम्बैटिंग COVID-19 पेंडेमिक अमंग द अदर्स, एंड क्वाड इज ऑल्सो सीन एज एन अटेम्प्ट टू काउंटर द ग्रोविंग माइट ऑफ द चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें कही गई है, ठीक है। 2004 से ये मुहिम चालू हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम इस रीजन के अंदर काम करती है। यहाँ पर 2006 के अंदर जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए थे, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था शिंजो एबे, उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया, प्रपोज्ड अ ग्रुप ऑफ द लाइक माइंडेड कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऑन द थीम्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करें 2007 के अंदर पहली एक फॉर्मल मीटिंग हुई, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड द मालबार एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पर शिंजो एबे ने रिजाइन किया, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रिजाइन किया था 2007 के अंदर। नवंबर 2007 के अंदर यहां पर क्रिटिक क्वीन रूड बिकम द पीएम ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहां पर इसके पूरी की पूरी हिस्ट्री है कि 2008 में यहां पर ग्रेजुअली फाइल अपार्ट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर अलायंस, उसके बाद 17 के अंदर फिर से जापान ने ऑफिशियली प्रपोज किया और क्वाड के बारे में ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात की, एंड द फर्स्ट वर्किंग लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया क्वाड टू प्लेस इन द मनीला। इज इट क्लियर? तो ये मनीला याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 2020 की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मालबार नेवल एक्सरसाइज आफ्टर द मोर देन अ डिकेड ओवर हियर। ओके, यहाँ पर 2017 के बाद यहाँ पर 2020 और 2021 के बाद यहाँ पर पहली बार द फर्स्ट इन अ पर्सन मीटिंग द क्वाड कंट्रीज अनाउंस्ड ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जब ये 2021 के अंदर वर्चुअली मीट किया गया था आफ्टर द COVID-19 पेंडेमिक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ये समझना है कि जो क्वाड है एक्चुअली है क्या और कौन कौन से मेंबर्स हैं और यहाँ पर क्वाड का क्या क्या रोल है, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में।
आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। सो यहाँ पर एक एडिटोरियल सेक्शन के न्यूज सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल आया है कि विद टेम्पल विल रेज अ न्यू अयोध्या यूपी गवर्नमेंट आवर्स। द स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक द टेम्पल टाउन ऑफ टूरिज्म हब। तो यहाँ पर राम टेम्पल जो है उसको नेशनल टेम्पल के तौर पर सामने लाया जाएगा। अयोध्या को यहाँ पर अयोध्या के अंदर जो टेम्पल है उसको नेशनल टेम्पल के तौर पर सामने लाया जाएगा, जहाँ पर टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा, ऐसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है 2024 तक। इज इट क्लियर? सो राम टेम्पल इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय अर्ली 2024। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, रेलवे फैसिलिटीज, न्यू रोड्स एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज इज ऑन एट ब्रिस्क पेस। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर टार टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। और यहाँ पर उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, द इलेक्शन मीटिंग इन द हिमाचल प्रदेश ऑन द फ्राइडे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जी ने यहाँ पर कहा था कि इसको हम लोग एक नेशनल टेम्पल ऑफ इंडिया के तौर पर समझेंगे। और यहाँ पर रफली एक आइडिया दिया गया था, 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड द राम आइडल विल बी इंस्टॉल्ड इन दिस पर्टिकुलर टेम्पल। ओके, तो 2024 तक यहाँ पर पूरा का पूरा काम खत्म करने की बात है। अभी तक 50% के करीब काम खत्म हुआ है। इस तरीके की चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं, यस, तो आप समझ सकते हैं कि आगे का जो दिन, आगे के जो दिन आएंगे अयोध्या के लिए वो काफी हद तक अच्छे रहेंगे, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बढ़ेगी, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी बढ़ सकती है। इज इट क्लियर? सो आफ्टर ऑल द टेम्पल इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, कांग्रेस कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास रोड्स बॉन्स एक्सेट्रा इट्स कॉजिंग द डिसरप्शन, बट वंस दिस प्रोजेक्ट्स गेट कंप्लीटेड द होल टाउन will be benefited from this kind of the particular projects. Okay, तो ये सारी की सारी चीजें के बारे में बातचीत किया गया है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, श्याम शरण नेगी जी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर माने जाते थे और कहे जाते थे, उसकी अभी ही फिलहाल देहांत हुआ है, उनका अभी ही देहांत हुआ है। सो थ्री डेज आफ्टर द कास्टिंग हिज वोट फॉर द 34th टाइम, उन्होंने अभी जस्ट उसका उनका डेथ जब भी हुआ तब भी 34th टाइम उन्होंने इलेक्शन के तौर पर वोट दिया। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग अभी भी वोट नहीं करते, भाई साहब वोट कीजिएगा, ये आपका अधिकार है। इज इट क्लियर? सो थ्री डेज आफ्टर द कास्टिंग हिज वोट फॉर 34 टाइम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी डाइड ऑन सैटरडे एट हिज होम इन कल्पा इन हिमाचल प्रदेश। और तभी उसकी जो एज थी दोस्तों, उनकी एज थी 106 ईयर्स। इज इट क्लियर? सो मिस्टर नेगी हु हैज द इलेक्शन कमीशन ब्रांड एम्बेसडर वोटेड इन द हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन थ्रू पोस्टल बैलेट ऑन नवंबर 2nd। इट वाज द लास्ट वोट फॉर द मैन हु वाज 31st व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये चीज याद रखिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार जी है और उन्होंने भी यहां पर विजिट किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टेटिक जीके के तौर पर ये वन लाइनर एग्जामिनेशन के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती है कि भारत का जब भी भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत का पहला वोटर कौन थे, तो उनका नाम था श्याम शरण नेगी जी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। गाइज, दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज रिगार्डिंग द वर्ल्ड सेक्शन एंड कम्स प्लीज कम ऑन पेज नंबर 10। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल्स एज यूएस साउथ कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड। ठीक है, तो ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नॉर्थ कोरिया फायर्ड 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन सैटरडे, द साउथ कोरियन मिलिट्री सेड, द लेटेस्ट इन प्योंगयांग्स टेस्टिंग blades this week as Washington and Seoul concluded their biggest ever Air Force drill. Okay, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया अक्वायर करने की कोशिश करता है साउथ कोरिया को, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये दोनों जो है वो यूएसएसआर का ही पहले पार्ट थे। यूएसएसआर से बहुत सारे जो देश थे वो अलग हुए, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की साइड में था यूएसएसआर और यहाँ पर साउथ कोरिया की जो हेल्प कर रहा है वो है यूएसए, ठीक है, अमेरिका। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए सबसे पहले
पहले मैप देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, और उसके बाजू में देखा जाए तो ये है चाइना, और यहाँ पर देख सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, उसके बीच में जो लाइन है यहाँ पर एक DMZ लाइन खींची गई है, ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। पहले इस मैप देख लीजिए, ये है चाइना, यह नॉर्थ कोरिया, यह साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल है। दोनों के बीच में जो लाइन निकल कर आती है उसका नाम है 38 पैरेलल लाइन। ओके गाइस, जब भी आप लोग मैप से अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाता है कि क्या क्या बॉर्डर लाइन है, क्या उसका नाम दिया गया है, और क्या क्या बैकग्राउंड है, क्या इश्यू है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये आप मैप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम है प्योंगयांग, एंड साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दोस्तों उसका नाम है सियोल। ओके, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा जो रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है दोनों के बीच में बॉर्डर के पास, उसको बोला जाता है मिलिट्री डीमरकेशन लाइन, ओके, या डीमिलिट्राइज्ड जोन। यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए दिन होता रहता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी बीच में जगह रखी जाती है, उसको बोला जाता है DMZ, ओके, डीमिलिट्राइज्ड जोन, इज इट क्लियर, उसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है पूरा पूरा रेड वाला पोर्शन है वो कौन सा है, डीएमजेड, डीमिलिट्राइज्ड जोन, क्यों है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वापस में भिड़े नहीं इसके लिए, इज क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने यहां पर 12 जो वॉर वेपन वॉर प्लान्स हैं साउथ कोरिया की बॉर्डर के पास तैनात कर रखे थे, और यहां पर 30 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने यहाँ पर स्क्रैम्बलिंग रिस्पांस दिया था। अगर यहाँ पर प्रिटेंशंस की बात में करूँ तो यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, एक बार मैप में जाकर देखिए क्या कोरियन पेनिनसुला है तो है क्या, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ कोरिया ने आए दिन मिसाइल टेस्ट किया ही है, और प्रॉम्प्टेड द साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान, सो यूएस साउथ कोरिया यूएसए एंड जापान टू कंडक्ट द ज्वाइंट ड्रिल्स इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो उसके नॉर्थ कोरिया के रिस्पॉन्स ने उन्होंने यहाँ पर तीन देशों ने मिलकर यहाँ पर ड्रिल भी की थी। पर एक्चुअली ये समझिए कि भाई कोरियन पेनिनसुला जो है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है तो है क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली है तो है क्या। सो द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन द जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरियन बिटवीन 1910 to 1945, इज इट क्लियर। तो यहां पर जो जापानीज ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है राइज हुआ था, जब यहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सो जापान वॉज डिफीटेड इन दिस पर्टिकुलर सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, और उसके बाद जो अलाइड फोर्सेस है उन्होंने एक एग्रीमेंट को जो है एस्टैब्लिश किया और उसको एग्री किया उस एस्टैब्लिश्ड को, ठीक है। सो फोर पावर ट्रस्टीशिप ओवर कोरिया एट द यल्टा कॉन्फ्रेंस जो 1945 के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूएसएसआर की। सो यूएसएसआर स्टैंड फॉर वॉट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। उन्होंने इन्वेट करना स्टार्ट किया कोरिया को, ठीक है, कोरिया के अंदर इन्वेट करना स्टार्ट किया और अपना जो वर्चस्व है बिठाने का स्टार्ट किया, टूक द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर्थ, वाइल द साउथ जो है रिमेनिंग जो पोर्शन था वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए सामने आया। तो नॉर्थ कोरिया के लिए यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के लिए आया यूएसएसआर, और यहां पर साउथ कोरिया के लिए आया यहां पर यूएसए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर जो दो डिविजन्स बने, जो दो तरीके के डिविजन्स बने और उन दोनों के बीच की जो लाइन है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी लाइन थी, 38 पैरेलल लाइन है, इज इट क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को पूछी जा सकती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, सो दैट इज कॉल्ड द 38 पैरेलल लाइन, इज इट क्लियर। तो यहां पर इस लाइन को खींचा गया, सो दैट कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल बॉर्डर डिवाइडिंग दिस टू पर्टिकुलर टू कोरियाज, ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अगर मैं 1948 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको कहा जाता है साउथ कोरिया, और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको कहा गया नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो उस तरीके से यहां पर उसका एलिब्रेशन होता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो टेरिटरी है, ये जो एक टेरिटोरियली और आइडियोलॉजिकली जो यहां पर रीच किया गया और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरियन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सो ये दोनों नेशन के बीच में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल कर आया। आगे बात करते हैं कि कोरियन वॉर के बारे में। तो जब भी 25 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया के अंदर
यूएसएसआर के थ्रू या यूएसएसआर के द्वारा यहां पर बैकआउट किया गया और वहां पर उन्होंने एंड दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन साउथ कोरिया एंड ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, साउथ कोरिया का बहुत सारा पोर्शन ले लिया। उसके बाद यहां पर यूएसए ने यहां पर अपनी फोर्स को लीड किया। यहां पर यूनाइटेड नेशंस फोर्स लीड बाय दिस पर्टिकुलर यूएसए रिटेलिएटेड। ओके, और यहां पर जो 1951 के अंदर 38 पैरेलल लाइन जो है उसको ट्रिगर्ड किया गया और चाइना की उसके अंदर एंट्री हुई। ठीक है, एंड दे सपोर्ट द आल्सो नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि भाई जो वॉर चल रहा था और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो एक्चुअली है तो है क्यों। ठीक है, एक जगह जो है उसको प्रस्तावित करने के लिए या तो उस जगह को एक्वायर करने के लिए ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। सो टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सकेलेशन पीस टॉक्स बिगिन इन लेटर इन 1951। उसके बाद यहां पर यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना, ठीक है, ये तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हो गए इसके थ्रू जो कोरियन पेनिनसुला के अंदर पीस नेगोशिएट कर रहे थे और वहां पर इंडिया वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नेगोशिएटिंग द पीस इन दिस काइंड ऑफ द रीजन। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1952 के अंदर इंडिया ने एक रिजोल्यूशन जारी किया कोरिया के ऊपर एंड कोरिया वाज अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यहां पर 27 जुलाई 1953 के अंदर कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में साइन हुआ, यूएन यूनाइटेड नेशंस कमांड के बीच में और कोरियन पीपल्स आर्मी एंड द चाइनीज पीपल वॉलंटियर आर्मी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और वहां के जो ऑफिशियल सीज फायर जो थे विदाउट पीस ट्रीटी, ठीक है, सो इट लीड टू एन ऑफिशियल सीज फायर विदाउट ए पीस ट्रीटी के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, जहां पर मैंने यहां पर आप लोगों को मैप के अंदर दिखाया था इस तरीके की लाइन को क्या कहा जाता है कि दोनों के बीच में थोड़ी छोटी सी जगह रखी गई, सो दैट इज कॉल्ड द डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, DMZ कहा जाता है जिसको। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन जो है उसको यहां पर एस्टेब्लिश किया गया। सो अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग अक्रॉस द कोरियन पेनिनसुला टू सर्व एज अ बेटर सॉरी बफर जोन बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया एज वेल एज। तो December 1991 के अंदर जब चीजें हुई तभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पैक साइन हुआ और यहां पर इस तरीके के एग्रेशन को रिफ्रेन करने के लिए ये सारी की सारी चीजें हुई थी। ठीक है, अभी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और आगे मैं बात करूं तो भाई यूएसए को इतना क्या था कि उन्होंने यहां पर साउथ कोरिया का यहां पर सपोर्ट किया। सो व्हाट इज द यूएस नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर यूएसए ने सपोर्ट किया साउथ कोरिया को, पर अल्टीमेटली कहा जा सकता है ना कि यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ कोरिया के साथ। ऐसा क्यों? तो जब शीत युद्ध चल रहा था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर एरा, तो यहां पर यूएसए एक्सटेंडेड दिस काइंड ऑफ द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहां पर यूएसए ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है उसको यहां पर प्रस्तावित किया साउथ कोरिया को और जापान साउथ कोरिया को यहां पर दिया और यहां पर एक अलायंस क्रिएट किया गया साउथ कोरिया जापान के साथ। ठीक है, सो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब होता है कि गारंटी ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर अटैक। यहां पर अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया का जो अभी किम जोंग उन है, ठीक है, उसकी लीडरशिप के अंदर जब से उसकी लीडरशिप आई है तब से ही यहां पर बहुत ज्यादा मिसाइल का जो है टेस्टिंग चल रहा है, आज भी चल रहा है। और यहां पर नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है। इसके लिए यहां पर यूएसए ने भी यहां पर साउथ कोरिया को इस तरीके से सपोर्ट किया और नॉर्थ कोरिया विड्रॉ फ्रॉम द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जिसको कहा जाता है, 2003 में यह ट्रीटी हुई थी अंडर द प्रेजेंट लीडर किम जोंग उन। इट इंक्रीज द न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग, तो उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट मिसाइल का टेस्टिंग भी किया था। ठीक है, इसकी वजह से यहां पर यूएसए ने साउथ कोरिया को एक चीज दी, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक चीज दी जिसको कहा जाता है थाल। थाल का मतलब होता है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसी डेवलपिंग या सिस्टम है, थाल जो है ऐसी अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है जो हवा के अंदर एयर के अंदर ही मिसाइल को हवा के अंदर ही मारकर गिरा सकता है। ठीक है, अगर नॉर्थ कोरिया से कोई किसी ने भी यहां पर मिसाइल से अटैक किया तो उसके डिफेंस में और उसके अगेंस्ट में यहां पर साउथ कोरिया से इस डिफेंसिव सिस्टम के थ्रू थार के सिस्टम के थ्रू उसको हवा में ही मारकर गिराया जा सकता है। तो साउथ कोरिया को यह चीज दी गई मार्च 2017 के अंदर यूएसए के थ्रू। इज इट क्लियर? यूएसए के द्वारा।
ओके सो द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विच स्टार्टेड बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टसल बिटवीन द यूएस एज वेल एज इन द नॉर्थ कोरिया. तो यहां पर यूएसए ने हेल्प की साउथ कोरिया को, इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ओके आई होप आप लोग सारी की सारी चीजें समझ रही है. पर भारत में, भारत का उसमें क्या रोल दोस्तों? सो व्हाट अबाउट द इंडियाज पोजीशन इन द कोरियन कॉन्फ्लिक्ट? तो इंडिया का ये स्टैंड है कि इंडिया हैज कंसिस्टेंटली वॉइस्ड इट्स ऑपोजिशन टू नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट. तो यहां पर भारत भी उसका अपोज कर रहा है और साथ ही साथ यहां पर मेंटेन द न्यूट्रल स्टैंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सैंक्शंस. यहां पर हमें सैंक्शंस जो भी लगाए गए उसका हमें पालन करना है. ठीक है, तो यहां पर इंडिया का यह स्टैंड है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट जो है, मिसाइल टेस्ट जो है, आप लोगों ने कर लिया, तो अभी जो इतना हुआ है ठीक है, अभी जाने दो, ज्यादा मत करो ऑपोजिशन. इसकी वजह से यहां पर इंडिया जो है उसका अपोज कर रहा है. ठीक है, और इंडिया प्लेड ए मेजर रोल रिगार्डिंग द सीज फायर एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में साइन किया गया था, एंड रिगार्डिंग दी बाय दी वार्निंग साइड. ओके, ये चीज याद रखना. अभी भारत के रिलेशन अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ में, तो यहां पर एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर ये सामने आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी साउथ कोरिया बायलेटरल रिलेशनशिप. इज इट क्लियर? तो यहां पर इंडिया का एक मेजर रोल प्ले है कि साउथ कोरिया साउथ सदर्न पॉलिसी के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए. इसके लिए यहां पर रिलेशन बिल्डअप करना काफी हद तक जरूरी माना जाता है इंडिया के लिए. ठीक है, इंडिया एक्ट इजी ईस्ट पॉलिसी, उन्होंने यहां पर साउथ कोरिया कि मेजर प्लेयर जो है, दैट इज कॉल्ड द इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी अंडर विच इंडिया एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए, कल्चरल टाइज करने के लिए और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, और इस कंट्री के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अपना जो कामकाज अच्छी तरीके से चले, इसके लिए यहां पर जो है रिलेशन काफी तो इंपॉर्टेंट माना जा सकता है. ठीक है, अगर मैं इंडिया और डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करूं नॉर्थ कोरिया के साथ में, तो ओवर 47 ईयर्स का यहां पर आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं. सो विच रिफ्लेक्ट्स द लीगेसी ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ओवर हियर. आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. तो यहां पर आप जिस तरीके से पोस्टर देख पा रहे हैं, एक स्नैक के रिगार्डिंग आर्टिकल आया है. ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, तो यहां पर एक आर्टिकल में दिखाया गया है कि ओवर 64,000 पीपल इन इंडिया डाई ऑफ स्नैक बाइट्स ईच ईयर. तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर बहुत सारी चीजें के बारे में बातचीत किया गया है. सो इंडिया हैज अ ह्यूज स्नैक बाइट टोल. इंडिया अकाउंट्स ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्लोबल स्नैक बाइट्स डेथ. यहां पर कहा गया है 2030 के तक यहां पर डेथ और इंजरी जो है ग्लोबल टारगेट के तौर पर सबसे ज्यादा है स्नैक बाइट के थ्रू. ठीक है, 4.50 पर 1 लाख ओनली. सोमालिया हैज हायर एज स्टैंडर्डाइज द डेथ रेट इन देन द इंडिया. ठीक है, तो यहां पर स्नैक बाइट से बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही है छत्तीसगढ़ के, इंडिया के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हायर एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 6.5, 6.0, 5.8 पर 1 लाख रिस्पेक्टिवली यहां पर आप लोग देख सकते हैं आंकड़ा. ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर डेथ का जो नंबर है बढ़ने का कारण यह भी है कि एक हमारे पास कोई एक स्ट्रेटेजी एड्रेस नहीं है कि भाई स्नैक बाइट को किस तरीके से रोका जा सकता है. यहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज उस हिसाब से यहां पर स्टैंडर्डाइज की जानी चाहिए. ठीक है, सो फोकस शुड बी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. कि भाई हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग उसके ऊपर फोकस करें, उसको बढ़ाएं. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग केयर कर सकते हैं हेल्थ सिस्टम ब्लॉक्स के बारे में जो हम लोग बात करते हैं आए दिन, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें. और यहां पर साथ ही साथ जो भी सिचुएशन होती है वो इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है स्नैक बाइट के दौरान, तो यहां पर उसकी अवेयरनेस बढ़ाने में यहां पर कैंपेन चलाना चाहिए कि स्नैक बाइट अगर होता है तो प्राइमरी प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस यहां पर देनी चाहिए. इज इट क्लियर? अगर मैं स्नैक बाइट के बारे में बात करूं रूरल पुअर एरिया के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज देखने को आपको मिल सकती है. सो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर स्नैक बाइट ब्रिंग्स इन दी एन इक्विटी इक्विटी फोकस ओवर हियर. ओके, तो यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है. अभी बात करते हैं कि स्नैक बाइट के बारे में. तो यहां पर स्नैक बाइट एनवायरनमेंट, सो इट स्टैंड्स फॉर द एस. इज इट क्लियर? सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टैंड्स फॉर द ICMR. ठीक है, तो ICMR ने यहां पर एक नई स्टडी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है केसेस निकल कर आए हैं डेथ के, वो स्नैक बाइट के. अराउंड 50% ऑफ द ग्लोबल स्नैक बाइट डेथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है पूरे विश्व के अंदर. ठीक है, सो स्नैक बाइट एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु. तो गाइज आप मुझे क्या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है तो है किधर, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हाई प्रायोरिटी के बेसिस के तौर पर यहां पर एक निग्लिगेटेड ट्रॉपिकल डिजीज के तौर पर उसको क्लासिफाई किया है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अभी स्नेक बाइट एनवेनोमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो यहां पर इंडिया जो एक टिपिकली रिजल्ट फॉर्म क्रिएट करता है जो इंजेक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टॉक्सिंस जिसको हम लोग वेनम कहते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वेनम फॉलोइंग द बाइट ऑफ अ वेनमस स्नेक एंड कोन ऑल्सो कोज बाय हैविंग वेनम स्प्रेड इनटू दिस पर्टिकुलर आइस, तो ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि जो स्नेक बाइट करता है तो कभी कभार ऐसे स्नेक्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं आपकी आंखों के अंदर स्प्रे करते हैं, ठीक है। सो बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ स्नेक्स दैट हैव द एबिलिटी टू स्पिट वेनम एज अ डिफेंस मेजर, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए, बट ऑब्वियसली अपने डिफेंस के लिए ही करते हैं, ठीक है। सो इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द रूरल एरियाज ऑफ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के, यहां पर जहां पर अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर, ओशियनिया के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर इस तरीके की चीजें जो है काफी हद तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर जहां पर रूरल एरिया सबसे ज्यादा है वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आगे बात करते हैं कि स्पेशली रूरल एरिया के अंदर ही क्यों, क्योंकि यहां पर रूरल एरिया जो है जंगल से बिलोंग करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को स्नेक आए दिन देखने को मिल सकता है। सो प्री अर्बन कम्युनिटीज वेयर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ऑल्सो, तो यहां पर खेतों के अंदर भी आप लोगों को स्नेक्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं उसकी हंटिंग भी होती है और एंड गैदरिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हैं। अगर उसके इंपैक्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर मेनी स्नेक बाइट विक्टिम्स जो है उन्होंने जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही है, ठीक है, विक्टिम्स सफर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज, यहां पर अगर कोई सांप ने आपको काट लिया या किसी सर्प ने या किसी स्नेक ने आपको बाइट कर लिया तो यहां पर डिफॉर्मिटीज है, कॉन्ट्रैक्चर्स है, एम्प्यूटेशंस है, विजुअल इंपेयरमेंट है, रेनल कॉम्प्लिकेशन है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। तो दोस्तों इतने सारे के सारे चीजें जो है, बीमारियां जो है इतनी आपको लग सकती है अगर आपको स्नेक ने बाइट किया है तो, ठीक है। आगे बात करें कि भाई डेथ जो है ये होती है तो ग्लोबली क्या है, इंडिया का स्टेटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो भारत की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो भारत के अंदर ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया गया कि 1.2 मिलियन स्नेक बाइट डेथ्स जो है हुई है 2000 से लेकर 2019 के बीच में दौरान, ठीक है। और एवरेज हर साल 58,000 लोगों की मृत्यु इंडिया के अंदर होती है और इंडियंस की ही होती है स्नेक बाइट के थ्रू, ठीक है। पूरे विश्व की अगर बात करूं 5.4 मिलियन स्नेक बाइट्स होती है, उसमें से यहां पर 1.8 टू 2.7 मिलियन केसेस जो है एनवोमेनिंग के देखने को आपको मिल सकते हैं, जिसके अंदर 81,410 से लेकर 137,880 डेथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो एंड अराउंड 3 टाइम्स एज मेनी एम्प्यूटेशंस एंड अदर परमानेंट डिसेबिलिटीज ईच ईयर, ठीक है, जो स्नेक बाइट के थ्रू ये क्रिएट होती है। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोडमैप क्या है इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोडमैप को लॉन्च किया जिसका एम था टू हैव डेथ एंड डिसेबिलिटी फ्रॉम स्नेक बाइट बाय 2030, तो ये उसका विजन है, ठीक है, ये चीज याद रख सकते हैं। यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स जो है एंटी वेनम्स जो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी 25% की बढ़ोतरी करने का इरादा है यहाँ पर 2030 तक उसके मैन्युफैक्चरर का कॉम्पिटेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बढ़ेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट टू क्रिएट ए ग्लोबल एंटी वेनम स्टॉक पिल उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई, उसके बारे में यहाँ पर प्लान डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरग्रेटिंग स्नेक बाइट ट्रीटमेंट जो है और साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ प्लान्स जो है जो कि कोई भी कंट्री के अंदर जिसके हिसाब से अफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से हेल्थ प्लान्स जो है डिक्लेयर किए जाएंगे और कम्युनिटी को एडुकेटेड भी किया जाएगा कि भाई आप अपनी हेल्थ के किस हिसाब से याद रख सकते हैं, किस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं और इसकी जो हम लोग प्राइमरी जो प्रिकॉशंस है या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में भी यहाँ पर अवेयरनेस दिया जाएगा हु के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप लोग
अच्छी तरीके से समझ गए हैं। यहां पर अगर मैं युगांडा के बारे में बात करूं तो अभी आगे का मैप जो है युगांडा का ही है, यहां पर आप देख सकते हैं। और नीचे का जो आर्टिकल आया है इस आर्टिकल के नीचे, वो इसी हिसाब से है कि वैक्सीन ट्रायल सून अमेड फॉर ऑफ इबोला वायरस स्प्रेड। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं युगांडा के अंदर है इबोला वायरस जो है काफी हद तक पीक पॉइंट पर है। इसके हिसाब से सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है ग्लोबल वर्ल्ड और यहां पर है ये युगांडा का मैप। ठीक है, सो यहां पर आप भी देख सकते हैं, दैट इज अ युगांडा मैप, इज इट क्लियर। तो यहां पर युगांडा के अंदर इबोला वायरस जो है वो काफी हद तक पीक पॉइंट पर माना जा सकता है। सो दैट इज अ इबोला वायरस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। पर आर्टिकल में क्या है वो देख लीजिए, द इबोला वायरस आउटब्रेक दैट बिगन इन युगांडा ऑन सितंबर 20 आफ्टर वन केस वाज confirmed in Mubendi district the previous day has spread to at least 130 people. ठीक है, 130 people को ये चीज affect हुई है और यहाँ पर lab के थ्रू ये चीज confirm की गई है, जिसके अंदर 43 persons की death हुई है almost up to the 2nd November. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। अगर मैं इस वायरस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये जो वायरस है वो काफी एक तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है जानने के लिए और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसको पहले जान लेते हैं कि इस रिसेंटली इबोला वायरस जो है दैट इज कॉल्ड द ईवीडी इबोला वायरस डिजीज सो हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द युगांडा एंड फॉलोइंग द कंफर्मेशन ऑफ अ रिलेटिव रेयर सुडान स्ट्रेन केस, इज इट क्लियर। तो पहले जान लेते हैं इबोला वायरस डिजीज है तो है क्या। ठीक है, तो ये एक इबोला हेमोरेजिक फीवर है। ठीक है, इज अ डेडली डिजीज विद द ओकेजनली आउटब्रेक्स दैट अकर मोस्टली ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट ओवर हियर। उसके बाद इबोला वायरस जो है पहली बार 1976 के अंदर इबोला रिवर के पास डिस्कवर किया गया था एंड नाउ दैट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, जो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इबोला जगह जो है उसकी रिवर के पास ही, इबोला रिवर के पास ही इसको डिटेक्ट किया गया था, इसके लिए इसका नाम रखा गया इबोला वायरस डिजीज, इज इट क्लियर। सो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, जैसे कि मंकीज है, गोरिलाज है, चिंपांजीज है, उसको भी ये चीज अफेक्ट हुई है। ठीक है, इट ऑल्सो कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद अ ग्रुप ऑफ वायरस विद इन द जेनियस इबोला वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कुछ कुछ स्पीसीज है, इबोला वायरस, सुडान वायरस, टाइफोरेस्ट वायरस, बुंदिया बुग्यो वायरस, रेस्टन वायरस, बॉम्बाली वायरस। ठीक है, तो ये स्पीसीज आप लोगों को याद इतने नहीं रखने हैं, पर ये उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत याद रख लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं कि या होस्ट जो है, ठीक है, ये फ्रूट्स बैट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेट्रोपोडिडिए फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, आर नेचुरल इबोला वायरस होस्ट। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है। ठीक है, अगर फ्रूट बैट्स के थ्रू, चिंपांजीज के थ्रू, गोरिलास के थ्रू, मंकीज के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू ये वायरस आपके अंदर आ सकते हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ये चीज भी याद रखिएगा। अगर किसी को फीवर है या कोई सिक है या ब्लड के थ्रू, अगर स्किन के थ्रू, ब्लड के थ्रू अगर आपको ने ब्लड एक दूसरे को दिया है, ठीक है, तो भी यहां पर इबोला वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, उसके साइंस और सिम्टम्स की बात करूं तो यहां पर उसके सिम्टम्स जो है वो 2 से 21 दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, अगर जब से आप इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आए हैं तब से। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो 8 to 10 डेज लेकर चलता है और उसके अंदर फीवर होता है, फटीग्यू होता है, मसल पेन होने लगता है, बॉडी वीक होने लगती है, हेडेक होने लगता है, सोर थ्रोट होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है और साथ ही साथ किडनी के प्रॉब्लम्स और लीवर फंक्शंस के प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा। अगर इनमें से कोई चीज है तो आप समझ रहे कि आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब को। ठीक है, अगर मैं डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी कैन से दैट इट इज इट कैन बी डिफिकल्ट टू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश ओवर हियर। ओके, सो इबोला फ्रॉम अदर इंफेक्शन डिजीज सच एज द मलेरिया, टाइफॉइड फीवर, मेनिनजाइटिस, बट कंफर्मेशन दैट सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय द इबोला वायरस इंफेक्शन आर मेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉलोइंग डायग्नोसिस मेथड। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये थोड़े बहुत सिमिलर आप लोगों को उसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो डॉक्टर साहब की सलाह
श्रृंखला जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। उसकी डायग्नोसिस की मेथड जो दी गई है वो आप लोगों को याद रखना है। ELISA स्टैंड्स फॉर द एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इज इट क्लियर, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, सो दैट इज कॉल्ड द RT-PCR जो हम लोगों ने COVID-19 के अंदर किया था, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं उसकी वैक्सीन के बारे में। सो द एयरवेबो इट स्टैंड्स फॉर द RVSV ZEBOV, ये जो है वो वैक्सीन है। सो हैज बीन हाईली इफेक्टिव इन कंटेनिंग द डिसीज ओवर ईयर। सो हाउएवर दिस वैक्सीन हैज ओनली बीन अप्रूव्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जेरिन स्ट्रेन ऑफ दिस वायरस ओवर ईयर, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, एरवीबो याद रख सकते हैं, ये एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, अच्छी तरीके से उसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ पा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक the combined defense services, FCAT, National Defense Academy, INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, IBPS or SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampad Educator, and you, if you want to follow me in the Instagram, YouTube and Facebook, so you can just follow me. So what are you waiting for, guys? Just call on for more details in this particular number, that is called the 9773230619, and online platform is also available, okay. So that's it for this session. If you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel in the YouTube, that is called the Just Sampad Educator. So yahan par aap log dekh sakte hain, and if you really enjoy this session, so please guys share this session with your friends, family members, colleagues and your elder and younger brother sister who are preparing for this kind of the particular examination, okay. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।